आपकी एज कितनी है? अरे यार, इसमें शर्म कैसी? एज पूछने में कौन सी शर्म है? लड़के को सैलरी और लड़की को एज कभी पूछा नहीं जाता। अब पूछो ना, मैं पूछ की हूँ। कॉल इसी के लिए के तो किए थे ना? क्या रीजन है मेरे को अपने यहाँ बुलाने का? तो मेरे को थोड़ी ना बताए थे भाई, मैं तो एक रीजन समझ के आया था। आप तो एक कुछ बोलना है, बोल के बुलाए। मेरे को आपको मेरा नाम बताना। हाँ, ये क्यों? मतलब पहले झूठ बोले थे कि इस बार झूठ बोल रहे? नहीं बोल रही हूँ, पहले पापा से, तो पापा ने बोला कि चल खाद दे, फिर मैं तेरे को 1-2 लीटर का पैसा दे दूंगा। तो अभी मैं ये सब को ख़त्म करूंगा गाइस, और उसके बाद पैसा लूंगा, फिर आपको मिलेंगे अपन हेलमेट की सेटअप पे और करेंगे मस्त वाली मोटो ब्लॉग। तो भाई लोग फाइनली एक ठोक खत्म हो चुका है और अभी 2 बची है भाई लोग, लेकिन काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है, सिर पे आ चुकी है। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10:30। घर वालों ने मेरे को आवाज़ दी कि चल धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आधा बाकी बचा वाला कर दे देना। तो हम लोगों ने अपना काम आज का पूरा ख़त्म कर चुका है, ख़त्म नहीं किया बट घर वालों ने मेरे ऊपर ना थोड़ा सा एहसान किया है भाई लोग। तो अभी चलिए चलते हैं घर, नहाने धोने के बाद आप लोग को मिलता हूँ मैं मोटो ब्लॉग के सेटअप में। 2000 years later. So यार भाई लोग देखे, मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी पे और कोल्ड स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी थी भाई। जैसे कि आप लोगों ने कल का ब्लॉग देखा लावण्या का, तो आप लोगों ने काफी प्यार दिया यार। मैंने 20 कमेंट बोली थी बट आप लोगों ने ना गाइज, मैंने 20 कमेंट बोली थी बट आप लोगों ने कमेंट ना भाई 28 कमेंट कर दी यार। तो थैंक यू सो मच भाई लोग दिल से। साथ में लावण्या ने भी मेरे को कॉल करके बुलाया, कुछ बात बोलना चाहती है गाइज, पता नहीं वो क्या बात बोलना चाहती है, देखते हैं। बोली तो है सरप्राइज है, आप गुस्सा भी हो जाओगे और खुश भी हो जाओगे, तो देखते हैं गाइस क्या बात बोलने चाह रही है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपन, पहले लावण्या के पास जाएंगे। हम लोग, आप लोग को तो पता ही यार, हम लोग ब्लॉग के लिए पूरा पागल है, हम लोग ना धूप देखते हैं ना बरसात। बरसात थोड़ा सा देखना पड़ेगा बिकॉज फ़ोन वोन अपना गोप्रो वोप्रो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। ना धूप देखते हैं ना ठंड देखते हैं भाई, निकल पड़ते हैं। मेरा बस चले तो मैं रात को भी गाइस पूरा निकल जाऊँ ब्लॉग करने के लिए, रात को भी ब्लॉग करूँ। अगर आप लोग बोलोगे नाइट ब्लॉग तो मैं नाइट ब्लॉग भी कर लूँगा, बट क्या है ना अकेला ब्लॉग करने में ना गाइस वो फील नहीं होती जितना ग्रुप राइडिंग में आती है, जितना मज़ा ग्रुप राइडिंग करने से आता है ना, वो ग्रुप राइडिंग में ही ज़्यादा मज़ा आता है भाई लोग मेरे को। सो देखिए हम लोग आ चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पर, और धूप अभी ना गाइस 2:04 बज रहे हैं, तो समझ सकते हो कितनी ज़्यादा धूप है बस्तर में। और जगदलपुर वाले को तो पता ही यार 4 बजे कितनी धूप रहती है, लेकिन फिर भी आपका भाई देखिए ब्लॉग करने के लिए निकल चुका। और यार भाई लोग आगे चल के आप लोग को काफ़ी अच्छी अच्छी ब्लॉग मिलेगी। आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगती है तो। अब से मैं कोशिश करूँगा यार भाई लोग आप लोग को डेली ब्लॉग देख सकूँ, क्योंकि यार पूरा जो
काम वाम था ना वो पूरा ख़त्म हो चुका है, अब घर का ही काम रहना है। जैसे कि मैं मॉर्निंग उठ के घर का काम कर रहा था, वैसे ही घर का कुछ मॉर्निंग में मेरे को काम करना पड़ेगा 2-4 घंटे, तब जाके मेरे को ब्लॉग के लिए पैसा मिलेगा और आप लोग के लिए मैं प्यारा सा ब्लॉग ले आऊँगा। भाई लोग मेरे को ब्लॉग के लिए पैसा नहीं चाहिए, भाई लोग मेरे को बस इसमें ना पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए। ओ भाई भाई थोड़ा देख के रोड क्रॉस करो यार बच्चों प्लीज़। अचानक से भाग रहे थे भाई वो लोग। भाई कुछ भी यार, बंदा मतलब कहीं से भी निकल जा रहा है भाई, आगे पीछे देख ही नहीं रहा है। पागल है, क्रैश होते होते बच रहा हूँ यार 2-3 जगह से आज मैं। फेब के एंडिंग तक मेरे को अच्छे से चलना है भाई लोग, आप लोग को तो पता ही है यार, लेकिन क्या करे, खुद कितना भी संभल के चल लो यार, सामने वाला लाके आप लोग को ठोक ही देगा। आप लोगों को तो पता ही है लावण्या के पास जाने के लिए हम लोगों को यहाँ से लेना पड़ता है लेफ्ट, और आज सिग्नल ऑन था यार, मैंने सिग्नल का ध्यान ही नहीं दिया भाई लोग, सॉरी ब्रोस। हम लोग आ चुके हैं लावण्या के, जो मतलब लावण्या जहाँ रहती है उससे थोड़ी सी दूर में। अभी आप लोग को लावण्या को मिलाता हूँ, उसको अभी मैंने कॉल किया था, वो बोल रही है ठीक है मैं रोड पे ही हूँ तुम आओ तो पहले। अब पता नहीं गाइस वो क्या बात बोलने चाह रही है, उम्मीद करता हूँ जो भी बोलेगी मेरे लिए ठीक ही होगा भाई। मतलब उसने कॉल पे बता ही नहीं यार, मैंने बहुत पूछा उससे कि क्या है कॉल पे बोलो बट उसने कॉल पे बता ही नहीं। देखिए आ चुके हैं अपनी, आओ ना इस बार आप लावण्या। गाइस इसको देख के नहीं लग रहा है यार ये हिंदू होगी पूरा, देखो मतलब पूरी ना मुसलमान वाली लुक इसने ले ली है यार, पता नहीं क्यों। ये मेरे को पिछले ब्लॉग में बोल ही रही थी हेयर शॉर्ट्स करवाने, कहीं उसी का तो मेरे को ये नहीं बोल रही थी, पूछते हैं हेयर कटवा लिए। देखिए गाइस ये इसका आप है कि कुछ और है, मस्त बनाए हो, क्या बात बोलनी थी बोलो ना, क्या झूठ बोले थे आप, मुसलमान हो वैसे लग रहे हो, मेरे को लगा यही झूठ बोले थे, यही है ना। फिर क्या नहीं, हाँ नहीं हाँ हाँ मुसलमान नाम है ना, मेरे को लग ही रहा था लावण्या नाम नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मतलब देखो गाइस इसका ड्रेसअप देखो, ये पूरा मुसलमान वाली है तो कहाँ से फिर ये। हाँ क्या है, बबीता श्रीवास्तव, मतलब सरनेम भी रॉन्ग है भाई साहब ये बात थी वो तो जब दोबारा मिलना ही नहीं था फिर इंस्टा आईडी एक्सचेंज क्यों किया आप, तो रियल नाम आपका बबीता है, बबीता ना गाइस ये भी नागी है, मतलब पहले झूठ बोले थे कि इस बार झूठ बोल रहे, पक्का नाग है किस श्रीवास्तव है। सो गाइस ये भी अपन की तरह नागिन डांस नाचने वाली निकली तो वो तो ठीक है बट सही है गाइस पहली बार में कोई नहीं बताता है आपको, वही तो मैं सोच रहा था आप ये ड्रेसअप लेके आ रहे हो ना तो मुसलमान हो ये बताने के लिए बुलाए हो।
तो मैं आपको लावण्या ही बुला सकता हूँ ना, लावण्या नाम ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चाहो तो नहीं बबीता नाम, बबीता नाम भी अच्छा ही है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है। हाँ ठीक है, बबीता भी बुला लूँगा, बबीता ही बुला लेंगे आपको। हाँ हाँ ना, हाँ नाग, नागिन नहीं, नागिन में मेरी इंसल्ट होगी ना, मैं भी नाग लिखता हूँ। कॉल इसी के लिए के तो किए थे ना, तो मेरे को थोड़ी ना बताए थे भाई, मैं तो एक रीजन समझ के आया था, आप तो एक कुछ बोलना है बोल के बुलाए। हाँ ये क्यों, कौन सी स्कूटी ले रहे हो, कौन से कलर में ले रहे हो, मिठाई कहाँ है यार, मिठाई तो देना था आपको। नहीं दलपत सागर में नहीं मिलेगा, वो मंदिर के सामने मिलेगी, कटोरा मिलेगी, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा ना, कटोरा घर से ले लो ना कटोरा तो घर में, कटोरा तो नहीं है उस टाइप का, जिस टाइप का मैं मांगना चाहती। ठीक है मैं खरीद के दे दूंगा, डन। वो हेलमेट में मांगोगे, नहीं हेलमेट बेचोगे तो 500,000 रुपये आपको मिल जाएगी, ये 2,000 की हेलमेट है तो मांगना नहीं पड़ेगा आपको। हाँ तो कब ला रहे हो बाइक आपका, कौन कौन जाओगे, तो आपके भैया मतलब वो लोग आ चुके हैं वहाँ पे। आपकी एज कितनी है, अरे यार इसमें शर्म कैसी, एज पूछने में कौन सी शर्म है, लड़के को सैलरी और लड़की को एज कभी पूछा नहीं जाता। तो बता ना कितनी है, 24, 23, 18, 18, 20, 19, 21, 22, दूध पीती बच्ची लग रही है, 22 साल बता रही है अपने आप को। देखो यार इतनी छोटी लग रही है और अपने आप को 22 साल बता रही है, ये सही में 22 साल है। हाँ तो 21 बोला था मैंने, उसी को 21 बोलते हैं क्या, हो गया इसमें भी मेरी बेइज्जती है, रहने दो। नहीं आऊँगा आपके साथ बाइक डिलीवरी पे, नहीं आने वाला मैं बाइक डिलीवरी पे, वहाँ पे आपके भैया रहेंगे, फैमिली रहेगी फिर तो क्या पता भाई कौन है बोल के आपको पूछेंगे नहीं, सॉरी। कल पक्का आप अपनी बाइक लेके आना, आपकी बाइक पे राइड करेंगे कल। हाँ हाँ आप जो बोलो, ठीक है कुत्ते हैं और क्या बोल सकते हैं, आज पर हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, वैसे मैं तो अपना सारा सीक्रेट मैं तेरे को बताई, कुछ नहीं बतायो, क्या बतायो बता, तो नाम सीक्रेट हो, आप भी कैसे 100 में से ना 80% लड़के अपना नाम गलत बताते हैं, चाहे वो आईडी में रियल में भी क्यों ना, तभी मैं सोचूं ये लावण्या श्रीवास्तव बबीता से फिर मुसलमान कैसे कन्वर्ट हो गई, और लुक लेके आए मुसलमान वाली पूरा। तो आप गाड़ी लाओगे तो मेरे को दोगे कि नहीं, सिखाओगे आप ही, गाड़ी भी चलानी नहीं आती। सही में 22 साल के हो क्या, 21 गाइस बोलती है 21 साल की हो और गाड़ी चलाने नहीं आती,
अच्छा सो गाइस कल से आप लोग को मिलेगी, कल से कि परसों से, कल से आप लोग को मिलेगी एक्टिवा 6G पे राइड ना। हाँ मैं सिखाऊंगा लेकिन कल से मेरी गाड़ी नहीं लाऊंगा ना भाई, इसको कम से कम कुछ दिन अब मिलने वाली है रेस्ट अपनी रैप्टर को। और आप गाड़ी लोगे तो आपका गाड़ी का नाम क्या सोचे हो? कुछ नहीं सोचे हो तो गाड़ी का नाम नहीं रखोगे? अरे यार मेरी बेइज्जती कर रहे हो या खुद की बेइज्जती? हाँ सही है, तो गाड़ी का नाम क्या सोचे वो बताओ ना, तो सोचोगे ना। सो भाई लोग इसकी गाड़ी का फॉलोवर्स नहीं है, भाई है मेरे वो हाँ। सो गाइस इसकी स्कूटी एक्टिवा 6G के लिए एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करो, अभी गाड़ी कंफर्म आ जाएगी ना, फिर पता चल रहा है कल गाड़ी नहीं आई और मैं यहाँ नाम आऊँ। पेमेंट वेमेंट या मत दिखाओ भाई, हम लोग को हार्ट अटैक आएगी, मत दिखाओ पेमेंट। वो तो उतना ही है भैया के पास, ज़्यादा होगा उसमें कितना होगा, 10,000 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ ओ भाई साहब, तो यार क्या बोलते हो इसको मार दे क्या, क्या बोलते हो यार इसको मार दे क्या, हम लोग को 27 कैश मिलेगी यार भाई लोग। अगर बोलो कहाँ है कैमरा, यहाँ कैमरा ही नहीं है, कहाँ है तो इसीलिए आप मेरे को 10 मिनट के लिए आओ, 10 मिनट के लिए आओ बोल रहे थे। यार इस बंदी के लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल है ना, इसने कल रात को मेरी को कहानी बताया, मैं तो रो दिया भाई। इतनी ज्यादा स्ट्रगल है भाई, ये मेरे से भी ज्यादा स्ट्रगल है इसकी लाइफ में। ठीक है मिलते हैं आपको कल, बेस्ट फ्रेंड ओके, बट एक्टिवा का मिठाई कल याद से, और सोन पापड़ी लेके मत आ जाना ठीक है, मिठाई लेके आओ भाई, वो मिठाई है। हाँ ओके चलो, हाँ ओके 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 आई एम अंडरस्टैंड श्योर भाई लोग। लड़की यार पूरा मुसलमान वाली लुक लेके आई थी और अपने आप को हिंदू बता रही है, आई डोंट नो क्या सीन है ये, बट कुछ भी हो यार फ्रेंड है, और ऐसे नहीं है कि अपन हिंदू है तो मुसलमान लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करते, सबसे फ्रेंडशिप करते हैं भाई लोग अपन।